एक बार देवादिदेव महादेव पृथ्वी पे जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, तो वो नीचे उस स्थान पर प्रकट हुए जहाँ एक शिव मंदिर था और लोग शिव के भक्त थे। मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे वो चुपचाप खड़े हो गए। कुछ देर बाद लोग वहाँ जमा हो गए और लोगों ने पूछा, आप कौन हो? महादेव ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं शिव हूँ, क्या मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? लोग हंसने लगे और बोले, ये कहाँ का शिव है, यह एक बड़ा धोखेबाज होगा, हम सब शिव भक्त हैं, ये जानकर उनके बेस में आया है और हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। मंदिर के पुजारी भी पहुँचे और शिव को यह कहा और जाने के लिए कहा। महादेव वहाँ से चले गए और एक शांत जगह पे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय एक छोटा बच्चा उसी रास्ते कहीं जा रहा था। महादेव को देखते ही वह चिल्लाया और घर भाग गया। वह कह रहा था, मैंने माँ महादेव को देखा, उसकी माँ ने इसके बारे में सुना और कहा, बेटा वहाँ मत जाना, शायद वो एक बच्चा चोरी करने वाला होगा। उस रात मंदिर के पुजारी ने सपना देखा कि महादेव कह रहे हैं कि मैं आपके शहर में आया था, सभी ने देखा लेकिन केवल एक ही मुझे पहचान सका, वो एक छोटा बच्चा होने के कारण उसका मन साफ था, इसलिए वो मुझे पहचान पाया। अगर आपका मन साफ नहीं है तो आप किसे भगवान को पहचानोगे? वो बच्चा बड़ा होने से पहचानेगा कि नहीं, ये भी बोलना असंभव है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से ये पता चलता है कि अगर मन साफ है तो भगवान को भी पाया जा सकता है, और साफ नहीं है तो भगवान सामने खड़े होने से भी आप पहचान नहीं पाएंगे।